हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए आज के एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे कि ट्रांसक्रिप्ट होती क्या चीज़ है। तो आज हम बेसिकली आपको हार्ड कॉपी भी दिखाएंगे ट्रांसक्रिप्ट की, प्रैक्टिकल की ट्रांसक्रिप्ट होती क्या चीज़ है। नंबर टू, हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप रहेंगे ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करने के। आप जिस भी आपने ट्वेल्थ किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, मास्टर ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, PhD की हुई है, मास्टर की है, उसके बारे में सारे स्टेप्स के ऊपर भी बात करेंगे। और थर्ड, हम बात करेंगे कि आप किसी भी एजेंसी को कैसे ट्रांसक्रिप्ट भेज सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व रहने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ट्रांसक्रिप्ट का सबसे पहला स्टेप हमारा ट्रांसक्रिप्ट का होता है। दोस्तों, अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन की हुई है, लेट्स सपोज आपने ट्वेल्थ किया हुआ है, आपने ITI की हुई है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने बैचलर डिग्री की हुई है, आपने PhD की है, आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है, तो उन सब के लिए आपका जो कंसर्न इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि जब हम अप्लाई करते हैं वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट के लिए, हर यूनिवर्सिटी का, हर डिप्लोमे का या हर उसका अपना अलग अलग प्रोसीजर होता है ट्रांसक्रिप्ट को लेने का। तो सबसे पहले जब आप अपनी यूनिवर्सिटी, बोर्ड, जहाँ से भी आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी होती है, वो ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट मैंने आपको एक दिखाई है, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, वो ट्रांसक्रिप्ट को कैसे बनाती है, देखिए ट्रांसक्रिप्ट होती क्या है, कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। कि कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट है जो आपके सेमेस्टर वाइज हो, ईयर वाइज हो, या आपने बोर्ड जो भी किया हुआ है, उसका एक कंसोलिडेटेड ये डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपके हर सेमेस्टर वाइज आपके मार्क्स और आपके सब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं, आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है इसके अंदर। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर उन्होंने ट्वेल्थ किया हुआ है तो वो क्या उनका सेमेस्टर। तो दोस्तों, अगर आपका कोई ट्वेल्थ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपके ट्वेल्थ का एक आपकी मार्कशीट है, उसी को ही आपका बोर्ड अटेस्टेड कर देता है, ठीक है। और जो भी आप देख रहे हैं ये एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आपकी ये हार्ड कॉपी ट्रांसक्रिप्ट की बनी है, इसके साथ जिस भी हम एजेंसी के अंदर, अब एजेंसी की बात करें, जैसे आप वेस्ट से करवा रहे हो, कनाडा की बात करें, आप IQS से करवा रहे हो, CES से करवा रहे हो, ICS से करवा रहे हो, या आपकी कोई और भी एजेंसी है, कुछ लोगों का हायर स्टडी के लिए वो अप्लाई करते हैं ट्रांसक्रिप्ट, तो उनके पास ये फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है उस केस के अंदर, वो हायर स्टडी के लिए अप्लाई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर करवा रहे हैं, तो देखिए बोर्ड क्या करता है, अगर आपका इमिग्रेशन पर हो, आपको किसी कंसर्न एजेंसी के लिए ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो वो ट्रांसक्रिप्ट बना के जो मैंने आपको कंसोलिडेटेड दिखाई, उसके साथ इस फॉर्म को, जिस फॉर्म को हम एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वेस्ट का एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म है, ऐसे ही IQS का होता है, ICES का होता है, इसको एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म कहते हैं। ये भी फॉर्म आप जब हम ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करते हैं, हमें बोर्ड या जहां भी आपने आपकी ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है, उसके साथ हमें सबमिट करना पड़ता है, जिसका सेकंड पार्ट होता है, एक पार्ट हमें भरना होता है, दूसरा पार्ट बोर्ड भरता है, और उसको अटेस्टेड करके, उसको वेरीफाइड करके आपके ट्रांसक्रिप्ट के साथ, जो हमने बताया कि जैसे आपके कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट होता है, उसके साथ ये आपकी एजेंसी को, कंसर्न एजेंसी को भेज देता है, ठीक है। अब जिन लोगों का हायर स्टडी के लिए पर्पज है, जो वो ट्रांसक्रिप्ट लेना चाह रहे हैं, उसके बाद तो एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं होता, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उसके केस में क्या करते हैं, क्योंकि आपका किसी एजेंसी के लिए नहीं है, तो आप अपना खाली डॉक्यूमेंट आपके बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कहीं भी सबमिट कर सकते हैं, वो कंसोलिडेटेड जो मैंने आपको दिखाया, वो ट्रांसक्रिप्ट बना के उसको बाय द सील, बाय द पोस्ट, वो उसको आपका कंसर्न यूनिवर्सिटी, कॉलेज को भेज देते हैं, जो भी आउटसाइड ऑफ इंडिया है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपका इमिग्रेशन पर्पज नहीं है, तो, और जिन लोगों का इमिग्रेशन पर्पज है, वो बाय द इलेक्ट्रॉनिकली और बाय द पोस्ट भेज देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिकली मोड क्या है और बाय पोस्ट क्या। देखिए बाय पोस्ट जो होता है हमारा, जो हम पोस्ट भेजते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा ही, वो हमारा डॉक्यूमेंट जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, कुछ एजेंसी और कुछ बोर्ड ने ट्रांसक्रिप्ट को इलेक्ट्रॉनिकली भेजना स्टार्ट किया है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे एक ईमेल होता है, उनका एक इलेक्ट्रॉनिकली मोड होता है, वो उसको बाय द इलेक्ट्रॉनिकली मोड, जैसे हमारी ईमेल जाती है, वैसे ही कंसर्न कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, जहाँ भी आपने अप्लाई की है, ट्रांसक्रिप्ट आपको भेजनी है, वो उनको इलेक्ट्रॉनिकली भेज देते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है।
अब हम जब एजेंसी की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने से पहले आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान देना होगा, कुछ लोग ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई वैसे ही कर देते हैं जैसे आप, कुछ लोगों को मेरे को क्वेरीज आई हैं, कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा है, तो उनसे क्या गलती हुई है मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें हायर स्टडी की भी गलतियाँ हुई हैं, जो लोग हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते थे उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट तो बोर्ड में अप्लाई कर दिया, अब लेट्स सपोज करो किसी का इमिग्रेशन पर्पज़ है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई कर दिया और जहाँ जिस एग्जाम्पल के लिए वेस्ट में भेजना था इमिग्रेशन के लिए पर्पज़ के लिए और अपनी एजेंसी के लिए असेसमेंट करवानी थी, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे अपना अकाउंट ही नहीं बनाया था जिसकी वजह से उनको रेफरेंस नंबर नहीं मिला, बट उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों इसमें आप अवेयर रहना, आपको क्या करना है, क्योंकि जब आपका इमिग्रेशन पर्पज है तो आपने अकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म को भी साथ में फिल करना है और उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर होता है, तो ये आपको क्या करना है, पहले आपने कंसर्न एजेंसी को डिसाइड कर लेना, वहाँ से अपना अकाउंट बना लेना है, वहाँ से अपना रेफरेंस नंबर लेना है, रेफरेंस नंबर लेने के बाद ही आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह करके आप इस डिस्क्रिपेंसी से बच जाओगे, आपका टाइम भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। होप सो ये आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना। अगर इसके बाद भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और आप जो लेफ्ट साइड में मेरे चैनल में रेड दिख रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है उसके वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो एक घंटी जैसा दिख रहा है उसको भी दबा लीजिए। ऐसे ऐसे हमारी वीडियोस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड आती रहती हैं, एकेडमिक असेसमेंट से, सर्विसेज से लेते हैं, या मैंने इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाई हुई है कौन सी एजेंसी बेटर है, क्योंकि कई बार हमारी हायर एजुकेशन होती है, क्योंकि इन एजेंसियों में लिखा हुआ होता है कि आप अपनी हायर एजुकेशन ही भेजो, बट कुछ केस में हमें बैचलर भी भेजनी होती है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुआ और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी भी हुई है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट्स है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके भी आप क्वेरीज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे बेल भी दबा लेना जो घंटी जैसा आपको दिख रहा है, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी, और इस चीज़ से रिलेटेड हम वीडियो और भी बनाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।